Hello viewers, how are you? Hope you all are doing well. Welcome to the Sak Sikho channel. Yes, kids, yes, we were doing logical reasoning. This is the tenth video of logical reasoning. How many question we already done? Yes, we already had done till forty one, and we were on the question number forty second. No. फॉर्टी थर्ड एक्चुअली ये मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में दे रखा था वी आर डूइंग कोशिकल लॉजिकल रीजनिंग ऑफ क्लास सिक्स टेक योर पेंसिल टेक योर पेपर एंड गो हैड चलिए स्टार्ट हो जाइए किसी ने आंसर दिया चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर दीजिए इसका अगर नहीं दिया आपने भूल गए ओके सेलेक्ट द करेक्ट इमेज ऑफ फिगर एक्स मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इफ द मिरर इज़ प्लीज वर्टिकली मैंने वर्टिकली कल आपको समझाया था वर्टिकली हमारा ये चीज़ होती है वर्टिकली मैंने वर्टिकली और हरीजेंटिकली में दोनों में आपको डिफरेंस भी बताया था जिन बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है उनके लिए है हमें करेक्ट इमेज फाइंड करनी थी सेलेक्ट करनी थी करेक्ट इमेज फिगर एक्स के लिए अगर हम मिरर इमेज बनाएं वर्टिकली तो इनमें से कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा अच्छा मिरर इमेज में क्या होता है मिरर इमेज में बिल्कुल इनवर्स आता है और इसका इस टाइप से नहीं आता है ये वाटर इमेज में होता है मींस आपका इस साइड से लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट नॉट अप डाउन अप डाउन हमारा वाटर इमेज में होता है हमारा मिरर इमेज में क्या होता है और इन्होंने राइट right क्या ही रखा है हमें लेफ़्ट टू राइट बिल्कुल इन्वर्स हो जाता है मीन्स हमारा जो ये सर्कल होगा ये इस साइड होना चाहिए अच्छा जैसे अपर फीलिंग है सर्कल की तो ये अपर ही रहेगी बट ये वाली जो फीलिंग है हमारी लेफ्ट साइड ये राइट right साइड आ जाएगी देखते हैं किसी ऑप्शन में है राइट right साइड पे फिलिंग ये राइट right साइड पे फिलिंग है ये राइट right साइड पे फिलिंग है और ये राइट right साइड पे फिलिंग है ये लेफ्ट है जैसे लेफ्ट में इधर थी तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता है जैसे हमारे ये वाले पोर्शन में देखो ये लेफ्ट साइड फिलिंग है तो इसकी राइट साइड होनी चाहिए इवन ये सर्कल यहाँ होना चाहिए और इस इमेज को यहाँ आना चाहिए चलिए देखते हैं सर्कल इस साइड यहाँ पे भी है इन दोनों में से देखते हैं देखिए चलिए चेक करते हैं हमारा राइट साइड पे आ गया ये भी राइट साइड पे आ गया सर्कल भी इधर चला गया ये लेफ़्ट साइड पे है यानी कि ये नहीं हो सकता हमारा तो हमारा ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट बहुत सिंपल सी बात है इधर भी लेफ्ट साइड पे है इधर राइट साइड पे है बट ये बिल्कुल यहाँ चला गया ऐसा नहीं होगा सर्कल यहीं के यहीं आएगा इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता है हमारा सर्कल इस साइड है इस साइड सर्कल है बट सर्कल की ये नीचे कैसे चली गई शेडिड तो ऊपर था ऊपर शेडेड था ना सर्कल तो ऊपर ही रहना चाहिए ना क्योंकि वो तो वाटर इमेज में होता है चलिए हमने मिरर इमेज कर ली अगर आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज के क्वेश्चन और भी करने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो बहुत क्लियर हो जाता है फिर और इस टाइप के क्वेश्चन तो ज़रूर आ जाते हैं एग्ज़ाम में which ऑफ द फॉलोइंग वी आर गोइंग टू डू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एग्जैक्टली अम्बैंडेड इन फिगर एक्स ये वाला पो, पोर्शन यहाँ से निकला हुआ है ये पोर्शन निकला हुआ है ये निकला हुआ है कि ये विच वन इज़ उठा के मतलब एज इट इस इज इसको यहाँ रख दें तो क्या एमबैंड हो जाएगा इन फिगर एक्स एज वन ऑफ इट्स पार्ट इसका कोई एक पार्ट है ये ऐसे लेके चलो चलिए ये स्टैंडिंग स्लिपिंग स्लैंटिंग स्टैंडिंग स्लिपिंग स्लैंट तो कहीं नहीं कर रहा ये तो हो ही नहीं सकता है हमारा ऑप्शन क्योंकि कहीं भी स्लैंट नहीं है चलिए ये सर्कल ये प्लस 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 हमारा पूरा कंप्लीट नहीं है सिर्फ ये वाली चीज़ है मीन्स एज इट इज़ हम फिट नहीं एज इट इज़ हम फिट नहीं कर सकते इसको अगर उठा के रखना चाहें इसे तो इसको हम यहाँ ला नहीं सकते चलिए ये वाला भी देख लेते हैं बट यहाँ तो स्लैंटिंग है हमारे तो स्टैंडिंग्स हैं पर ये तो इस टाइप से जा रही हैं स्लैंड करके ये भी नहीं हो सकती स्टैंडिंग स्लिपिंग स्टैंडिंग स्टैंडिंग स्लिपिंग स्टैंडिंग एंड दैन अगेन स्लिपिंग एंड दैन अगेन स्टैंडिंग एंड दैन अगेन लुक एट हर मिड में भी एक स्लिपिंग है सो आर ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट इट इज टोटली अम्बैंड इन फिगर एक्स एज वन ऑफ इट्स पार्ट चलिए आगे क्लियर हो गया ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर forty-five. Yes. हाउ many क्यूब्स आर देयर इन द given फिगर हाउ many क्यूब्स क्यूब्स क्या होते हैं पूरा पूरा एक ब्लॉक पूरा का पूरा ब्लॉक होता है Means एक पूरा पीस पूरा ब्लॉक हमने यहाँ से पिक किया हो जैसे ये देखो ये देखो हमारा ये पूरा ब्लॉक है जैसे तो कह रहे हैं हाउ many these आर लेट्स काउंट दैम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स ये हो गए और ये पीछे वाले लाइन में होंगे ना फाइव ये कितने वन टू थ्री फोर फाइव यानी कि पूरी ये रो हमारी कितनी होगी सिक्स इंटू फाइव ये हमारी होगी थर्टी चलिए नेक्स्ट देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव मीन्स ये हमारी हो जाएगी ये भी फाइव थी फाइव फाइव सा ट्वेंटी फाइव एंड नेक्स्ट रो वुड बी वन टू थ्री फोर फोर फाइव सा ट्वेंटी एंड नेक्स्ट रो वुड बी वन टू थ्री थ्री फाइव सा फिफ्टीन अब हम फाइव सा क्यों कर रहे हैं क्योंकि सारी रोज इक्वल हैं वन टू थ्री फोर फाइव देखो ये इक्वल उसमें लगे हुए हैं वन टू टू फाइव सर टेन देखो टेन है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये तो हमें क्लियर नजर आ रहे हैं ये हमें नजर नहीं आ रहे ना क्योंकि ये हाइड हो गए पीछे इसके इसलिए जी तो ये हमारे हो गए फाइव वन फाइव टेन एंड वन कैरी थ्री वन फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन दीज आर हंड्रेड यस हैं ऑप्शन में हंड्रेड है येस हेयर दैट इज ऑप्शन में हंड्रेड है येस yes. हो गया क्लियर जब ये ब्लॉक्स इस टाइप से लगे हुए होते हैं तो उनको जो हाइड हो गई उनको सिर्फ ये नहीं कि ऐसे ऐसे ब्लॉक बस काउंट करो उनको प्रॉपरली प्रॉपरली काउंट करो मीन्स इसके पीछे हाइड हुए पर है तो ब्लॉक पूरा इसके पीछे इसके पीछे तो ब्लॉक होगा ऐसे इसके पीछे भी ब्लॉक होगा तो हमने थोड़ा अपने लिए ईज करने के लिए अब एक एक को काउंट करते वन टू थ्री इसके फिर इसके थ्री होंगे थ्री यहाँ होंगे इस तरह हमें जब पता है कि फाइव है रो तो हम उस तरह से मल्टीप्लाई करके काउंट कर लेंगे ये हमारे लिए ईजी रह जाएगा है ना बहुत ईजी है अरे वाह भाई वाह आ गई हमारी वाटर इमेज नेक्स्ट क्वेश्चन में लुक एट देयर ओके लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द फिगर एक्स फिगर एक्स की करेक्ट वाटर इमेज देखनी है अब हम वाटर इमेज में मैंने आपको जैसे बताया था इसमें राइट right लेफ्ट का कोई सीन नहीं है इसमें अप डाउन का सीन है मीन्स ये अगर हमारा वी डला हुआ है तो वो ए हो जाएगा देखिए सारे और सभी ऑप्शन में होगा इस ऑप्शन में नहीं है वी ही है मीन्स ये हमारा बी तो होगा नहीं आंसर करेक्ट ये हमारा बी से ए वाली उसमें आ जाना चाहिए मीन्स ये शेप से ये शेप हो जानी चाहिए इसकी देखिए मीन्स ये हमारा ऊपर ये इस तरह से है तो ये इस टाइप से हो जाएगा जैसे ये इस टाइप से बट ये मैच ये नहीं हो सकता क्योंकि ये अटैच है अटैच कभी नहीं होगा जब नहीं है तो हमारे ये देखिए या तो ये होगा या हमारा आंसर ये होगा इसको इस टाइप से ऐसे है तो ये इस टाइप से ऐसे हो जाएगा दोनों ऑप्शन में है पर ये इस साइड है तो ये इस साइड ही रहना चाहिए ना साइड कैसे इसकी चेंज हो गई इधर कैसे कर दी इन्होंने नहीं हो सकती सिर्फ ये वाली चीज़ ऐसे हुई ना ये अप से डाउन हुई राइट right से लेफ्ट थोड़ा ना हुई राइट से लेफ्ट तो नहीं हुई बट right इन्होंने राइट right से लेफ्ट कर दिया ये देखो तो हमारा ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट इफ़ दैट इज़ क्लियर टू यू देन गिव मी अ थम्स अप वाटर इमेज बहुत इंटरेस्टिंग होती है वाटर इमेज हो चाहे हमारी मिरर इमेज हो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ये क्वेश्चन एक बार आ जाएँ तो बहुत क्लियर हो जाते हैं अच्छा वाटर इमेज मिरर इमेज ये आपके आ, बुक्स में मैथ की बुक्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर होंगे अगर आप देखोगे तो बट वो दूसरे टाइप के करके दे देते हैं वो आप ये देखो वाटर इमेज उसमें आपने कभी देखा होगा अल्फ़ाबेट ए इस टाइप से दे रखा है उसको आपने फिर इस तरह से देखा होगा कि उसको इस टाइप से करते हैं मैथ की बुक में होंगे आई थिंक फोर्थ फिफ्थ में आपने किए होंगे ये ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस अच्छा कभी आप वैसे अपनी बकेट ने ऊपर की कॉपी रख के देखना उसमें किस टाइप से इमेज बनती है साइड पे बकर बकेट की मीन्स आपकी अगर ये बकेट है ठीक है तो बकेट की यहाँ पे अपनी उस नोटबुक को रख के देखना वाटर में किस टाइप की इमेज आती है देखना आपको पता चलेगा वाटर इमेज में और मिरर अच्छा मिरर इमेज में तो आप देख ही सकते हो मिरर में सामने किस टाइप की इमेज बन रही है और उससे अच्छा जो प्रैक्टिकल करते हैं प्रैक्टिकली हमें हमेशा याद रहता है मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया आपने सॉल्व कर दिया बट ये तो एक ही क्वेश्चन है ना जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ ज़रूरी नहीं है वही आए एग्जाम में ऑफकोर्स वो नहीं आएगा हम नाइनटी नाइन परसेंट श्योर बट हमें तरीका आना चाहिए हाउ टू सॉल्व दैट चाहे वो हमारे वाटर इमेज वाले हैं चाहे हमारे मिरर इमेज वाले हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा ओलंपियाड्स के लिए अगर आपको ओलंपियाड की प्रिपरेशन करनी है तो ये अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन तो आता ही है एक इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आता है एक हमारा ये इम्बेंडेड वाला ज़रूर आता है जैसे ये हमारा इम्बेंडेड वाला था कि कौन सा फिगर इम्बेंडेड हो गया प्रॉपरली ये वाला हमारा ये वर्टिकली जो हमारी ये थी मीटर इमेज इस टाइप की चीज़ ज़रूर आती है इस टाइप के आते हैं मीन्स लॉजिकल रीजनिंग है बहुत इंटर सिर्फ हमें मेथड आना चाहिए बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ बहुत सारी बातें हो गई आज